आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोपहर के खाने में एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। खाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। आपने देख ही लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसाला बीट चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब भी हम कभी छोला बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, या फिर पनीर की सब्जी, या इसी तरीके की कोई भी सब्जी जो बड़ी स्पेशल तरीके से आप बनाते हैं, तो उसके साथ आपको कुछ और भी याद आता है खाने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बटर नान की बात कर रहे हैं हम। तो बस फिर देर किस बात की है, चलिए बनाते हैं बटर नान। देखिए, हम बटर नान बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने 4 कटोरी मैदा ली है, और इसमें हमने ले लिया है ये स्वाद के हिसाब से नमक। ये हमारे पास है 4 चम्मच दही, 4 ही चम्मच हमने रिफाइंड लिया है। ये हमारे पास चीनी है 1 चम्मच, और ये ईस्ट है हमारे पास 2 चम्मच, और ये 2 कप हमारे पास दूध है। तो हम दूध में ईस्ट और चीनी मिला के अभी रख देंगे। ये दूध हमारा गुनगुना दूध है, ठंडा दूध आप नहीं लेंगे। हम इसमें बाउल में 2 कप दूध डालेंगे, और ये ईस्ट को भी हमने इसमें डाल दिया, और इसमें डाल देंगे हम ये चीनी पिसी हुई, और अब अच्छे से मिला के इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, हम मैदा में नमक डाल दे रहे हैं ये, और इसमें ही हम डाल देते हैं ये दही अपना, जो 4 चम्मच हमारे पास दही है इसको हम डाल देंगे। इसी में हमने अब डाल दिया रिफाइंड। देखिए, दूध में हमने जो ईस्ट डाला था 10 मिनट पहले, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा इसमें खमीर उठ गया है। अब इससे हम मैदा मारेंगे, जिसमें हमने मैदा में दही और नमक मिला दिया था। अब इस दूध में इसी से इसमें मैदा को हम मारेंगे। ये थोड़ा, ये देखिए, बढ़िया से इस तरीके से मार देंगे। हम फिर से थोड़ा दूध डालेंगे, देखिए, और इसका डो पतला ही लगेगा, गाढ़ा नहीं लगेगा बिल्कुल। देखिए, ये इस तरीके का, इसमें हमने फिर डाल दिया दूध थोड़ा। अब और मारेंगे इसको, और इसको इस तरीके से खूब मसल मसल के मारना है। इसको खूब डाल दे रहे हैं इस डो को, और फिर से खूब अच्छे से मलेंगे। आपको दिखा देते हैं, देखिए इस तरीके से इसको 2-3 मिनट तक आप मसलिए ऐसे, इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से मसल के आप इसको बिल्कुल 1 घंटे के लिए रख देंगे ढक। देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 टुकड़े करेंगे, और फिर 4 के ही बराबर 8 टुकड़े करके इनको दूर दूर लोइयों पर रख देंगे। देखिए इस तरीके से, ये 2 हमने टुकड़े किए। अब इस 2 के फिर 2 कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, ये फिर हम इसके 2 कर देंगे। यानी आपको लोइयाँ बराबर बना के दूर दूर इस पर रख देनी है, और फिर इसे 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए, हमने ये लोइयाँ बना ली हैं, अब इसे ढक के हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, और इसमें हम अभी ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड लगाएंगे। देखिए, ये रिफाइंड है हमने ले लिया, इस तरीके से इस पर सब लगा देंगे, जिससे ये पपड़ा है ना, बस सब पे लगा के, और फिर अब ढक देंगे इसको 1 घंटे के लिए। देखिए, हमने जो लोइयाँ बना के रखी थी, ये कितनी एकदम से डबल साइज़ की हो गई हैं। अब हमने अपने हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड लगा लिया है, उसके बाद हम यहाँ डस्ट करेंगे मैदा इस तरीके से। खूब अच्छे से आप मैदा इसमें लगा लें सूखी इस तरह, और फिर हम लोई रखेंगे इस पर। देखिए, हम एक लोई उठा लेते हैं इसमें, देखिए जैसे होता ना हवा भर जाती है, ये देखिए उठाते के साथ कैसे होगी, खूब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और अब हम इसे बेल लेंगे। अब देखिए, यदि आप इस तरीके से बना सकें तो ऐसे बना लें, नहीं तो आप जैसे हम बेलन से बना रहे हैं इस तरीके से इसको बना लें। देखिए ऐसे, इस तरह आप बेल लेंगे इसको। देखिए, अब हम इस पर पानी लगा देंगे इस तरह, जिससे कि तवे पे अच्छे से हमारी चिपक जाएगी, ये देखिए। और हम इसे जिधर से पानी लगाया है उसी तरफ से तवे पे डालेंगे, ये देखिए डाल दिया। अब हम इसमें इस तरीके से थोड़े से निशान भी बन जाएंगे, और ये थोड़ा चिपक भी जाएगा। देखिए, अब हम इसे दूसरी तरफ से सेकने जा रहे हैं। इसे आप इस तरह सेकेंगे ऐसे, और आपकी फ्लेम
हल्की रहेगी। देखिए चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए आप इसको सेक लीजिएगा। देखिए एकदम बहुत बढ़िया नान हमारी सिक के तैयार हो चुकी है। देखिए उल्टे इसे देखिए ऐसे, ये भी इधर से भी खूब बढ़िया से सिक गई है ये देखें, और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए हमारी नान बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया नान सिकी है, और इसे हम दाल बुखारे के साथ सर्व कर रहे हैं, और बिल्कुल हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।